नगर में एक स्कूल का इफ्तिताह किया गया, जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, जिसके लिए 3600 का जमीन और 5 करोड़ रुपए मैंने अपने एमएलसी फंड से दिया हूँ। आज इस तकरीब में यहाँ के मुकामी एमएलए अहमद पाशा खादरी साहब, एमएलए एमएलसी जाफरी साहब, सामा सुंदर साहब जो हमारे इंचार्ज हैं यहाँ के, डिप्टी मेयर फसीउद्दीन बाबा साहब और यहाँ के कारपोरेटर, बहुत से टीआरएस के लीडर्स और एमएम के लीडर्स शरीक रहे। बच्चों को सबसे अहम चीज़ तालीम है, और तालीम के लिए ख़ासतौर से हमारे आनेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद बहुत ख़ास तवज्जो दी है। आज हमारे तेलंगाना स्टेट में तकरीबन 900 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं, और माइनॉरिटीज़ के लिए भी 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, जिसमें 55,000 से ज़्यादा मुस्लिम लड़के और लड़कियाँ तालीम हासिल करें। उसी तरह टीआरएस के कायदीन को भी सीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपका जो बजट है वो हॉस्पिटल्स पर और स्कूल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कीजिए, इसलिए मैंने अपने बजट से 5 करोड़ रुपये स्कूल के लिए सैंक्शन किया। 2.5 करोड़ रुपये में एक फ्लोर बन चुका है, जिसका 14,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है। आने वाले टाइम पर और एक फ्लोर बनेगा, उसके लिए मैंने बजट ऑलरेडी सैंक्शन कर चुका हूँ। इंशाल्लाह 5 करोड़ में बहुत अच्छी बिल्डिंग बनेगी। अगर ज़रूरत पड़ने पर और एक फ्लोर भी बनाया जाएगा जूनियर कॉलेज के लिए। तो तालीम के लिए हमारे आनेबल सीएम साहब की ख़ास तवज्जो की वजह से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कई मदरसे तामीर हो रहे हैं, मगर ओल्ड सिटी के अंदर जहाँ बड़ा थिक पॉपुलेशन मुस्लिम भाइयों का भी है, हिंदू भाइयों का भी है, यहाँ पर भी बहुत स्कूल की सख्त ज़रूरत थी। ये महसूस करते हुए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल कुरमागुड़ा स्कूल जो बिल्कुल किराए की बिल्डिंग में था, जो बहुत ही बोसीदा हो चुकी थी, और उसमें बच्चे जब बारिश होती तो पूरा पानी अंदर उतर जाता था, आज इस तकरीब में वो स्कूल को यहाँ शिफ्ट किया गया। इंशाल्लाह ये प्राइमरी स्कूल जाकर कुछ सालों में हाई स्कूल बन जाएगा, और इंटरमीडिएट तक के स्कूल काम करेगा। इस स्कूल को लिए खासतौर से हमारी डीओ मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों का, उन्होंने बड़ा ताउन किया है। इस स्कूल को इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। मैं इस महल्ले के अतराफ़ के लोगों को, क्योंकि यहाँ इतनी आबादी थिक आबादी है, कहीं 150 गज ज़मीन में मिलना मुश्किल है, और 3600 गज ज़मीन पर ये स्कूल बनाया गया है। इसके लिए मैं ग्राउंड है, बच्चों को खेलने कूदने के लिए अच्छे सहूलत है। ये स्कूल इंग्लिश मीडियम और कुछ उर्दू मीडियम भी काम करेगा, क्योंकि बच्चे कुछ उर्दू मीडियम भी पढ़ रहे हैं इसमें, जो स्कूल में शिफ्ट किया गया। पर मेरी तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि जिस ज़बान में हमें इम्प्लॉयमेंट मिलता है, उस ज़बान पर ख़ास तवज्जो दी जाए। इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल कीजिए, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगू भी पढ़िए आप, और उसके साथ उर्दू को भी कायम कीजिए। क्योंकि हमारे आनेबल सीएम साहब ने जितने रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ पर बाज़ाब्ता जो मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं उनको उर्दू मीडियम का भी उर्दू मतलब एक क्लास सब्जेक्ट रखा गया, और बाज़ाब्ता वहाँ पर रखकर अरबी और उर्दू पढ़ाई जा रही है। तो इंशाल्लाह ये बच्चों का मुस्तकबिल अगर सुधरना है तो सिर्फ तालीम से सुधरता है। तो ख़ासतौर से माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है एजुकेशन में, मुस्लिम आबादी यहाँ पर जिस तरह पुराने शहर में बहुत तालीम की कमी है। मैं तमाम मेरे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए। हुकूमत हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए तैयार है, और ख़ासतौर से ये जो स्कूल है यहाँ जो बना है बानो नगर के अंदर, याकुत संतोष नगर और याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्कूल में काफ़ी अच्छी गुंजाइश है। अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाइए, फ्री इंशाल्लाह उन्हें तालीम दी जा रही है, उसी तरह फ्री किताबें दी जाएगी। यहाँ पर दोपहर का लंच दिया जाता है, उन बच्चों की अच्छी देखभाल होगी। मैं महकमे तालीमात के अहदेदारों से गुजारिश करता हूँ कि स्कूल पर ख़ास तवज्जो देते हुए स्कूल को आगे बढ़ाएं। मैं यहाँ के जो हेडमास्टर हैं और टीचर्स को दिल की गहराइयों से मुबारक।